मझियाव से सूरज प्रकाश की रिपोर्ट। थाना परिसर में होली एवं सबे ए बारात को लेकर शांति समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता अंचलाधिकारी रामजी प्रसाद गुप्ता ने किया, जबकि संचालन थाना प्रभारी कमलेश कुमार महतो ने किया। बैठक में हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोग भाग लिए। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए अंचलाधिकारी रामजी प्रसाद गुप्ता ने समाज के दोनों वर्गों से आपस में शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से होली एवं सबे ए बारात त्यौहार मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि होली पुरानी शिकवा शिकायत को भुलाकर होली पर्व आपसी भाईचारे का संदेश देता है। कहा कि रंग गुलाल उड़ाते समय बवाला न करें, ताकि त्यौहार सुखमय तरीके से संपन्न हो। उन्होंने डीजे साउंड पर पूर्ण रूपेण प्रतिबंध लगाएं जाने एवं अवैध ढंग से शराब धंधेबाजों के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश थाना प्रभारी को दिया। वहीं पुलिस निरीक्षक संजय कुमार खाखा ने कहा कि होली त्योहार को लेकर पुलिस प्रशासनिक स्तर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किया जाएगा। साथ ही उन्होंने त्योहार को शांतिपूर्ण एवं भाईचारे माहौल में मनाए जाने को लेकर कई सुझाव एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जबकि थाना प्रभारी कमलेश कुमार महतो ने कहा कि होली एवं सबे ए बारात पर्व को शांतिपूर्ण एवं भाईचारे माहौल में मनाने की अपील समाज के दोनों वर्गों से क्षेत्रवासियों से किया है। उन्होंने कहा कि शहर या गांव में होलिका दहन का स्थान चिन्हित है, वहां लोग उसी स्थान पर होलिका दहन करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें, वो भी सतर्कता के साथ। उन्होंने क्षेत्रवासियों से अपील कर कहा है कि अगर किसी प्रकार से अराजकता न हो, अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अराजकता फैलाने वालों को चिन्हित करते हुए सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में विदेंद्र नाथ दुबे, डॉक्टर नियाज अहमद, अशोक कमलापुरी, शेख अमरुद्दीन, इंदल सिंह, जियाउल अंसारी, गणेश राम आदि लोग मौजूद थे। विवाह हो या पार्टी, हर प्रकार के स्वर्ण आभूषणों की करें खरीदारी, मिलेगा सुख समृद्धि और आनंद रूप अलंकार ज्वेलर्स के संग। 100% हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का एकमात्र संस्थान रूप अलंकार ज्वेलर्स, मेन रोड गढ़वा,